रक्तांबरी के कहने पर करकटी भीमासुर को उत्तेजित करने का निश्चय करती है। भीमासुर को देखकर देवर्षि नारद चकित हो जाते हैं। ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ ही साथ नारद की जिज्ञासा का समाधान करते हुए नारद को भविष्य का संकेत देते हैं। करकटी की क्रोधपूर्ण बातों से भीमासुर अपने पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की घोषणा करता है। दैत्य माता की जय हो। दैत्य माता, खौलता हुआ तेल इन दुष्ट देवताओं की प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा तो पहले ही दे दी थी, डाल दो इन्हें खौलते हुए तेल में। चलो। नारायण नारायण, राक्षस माता करकटी की जय हो। धन्य है तुम्हारा कौशल और धन्य है तुम्हारी सूझबूझ। यदि तुम सावधान न होती तो दुष्ट देवता अपने स्वार्थ में सफल हो जाते। दिव्य शक्तियों से संपन्न देवताओं का स्वार्थ एक न एक दिन इसी प्रकार अपमानित और प्रताड़ित तो होना ही था। हमें क्षमा करें देवर्षि और हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम देवता अपमानित होकर रह जाएंगे। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, स्वार्थ का परिणाम ऐसा ही होता है। देवता होते हुए भी तुम्हारे कर्म अपमान के ही योग्य हैं। मैं नहीं जानता तुम्हें दंडित करने के लिए राक्षस माता करकटी तुम्हें कहां ले जा रही है, और सच तो यह है देवराज इंद्र कि तुम्हारे इन दुष्कर्मों के लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं इनके दुष्कर्मों के लिए आप इन्हें क्या दंड देने जा रही हैं? अवश्य जान सकते हो। हमारी आज्ञा से इन दुष्ट देवताओं को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नारायण नारायण, राक्षस माता करकटी ने तुम्हारे दुष्कर्मों के योग्य ही तुम्हारे दंड की व्यवस्था की है। खौलता हुआ तेल जब तुम्हारे शरीर पर अपनी गर्मी के चिन्ह छोड़ेगा, तब तुम इस संसार में ही नहीं अपनी ही दृष्टि में अपमानित और लज्जित हो जाओगे। तुम पुनः ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस नहीं करोगे। राक्षस माता, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रार्थना करूं। तुम्हारी बातों से आभास होता है नारद कि तुम राक्षस जाति के शुभचिंतक हो। तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, कहो जो कहना है। राक्षस माता, मैं कहना वाला कुछ नहीं चाहता, मैं एक समस्या बताना चाहता हूँ। समस्या? ये तो सच है, इन देवताओं के दुष्कर्म दंड के योग्य हैं। यदि इन्हें दंडित कर दिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अनर्थ? मैं कुछ समझी नहीं। नारायण नारायण, राक्षस माता, यदि इन देवताओं को दंडित किया तो इसका प्रभाव सीधा भीमासुर की तपस्या पर पड़ेगा, और फिर भीमासुर की तपस्या असफल होकर रह जाएगी। नारायण नारायण, दुष्ट देवताओं के दंड से भीम की तपस्या का क्या संबंध है? राक्षस माता करकटी, संबंध है। जिस स्थान पर पूजा आराधना और तपस्या होती हो, उस स्थान पर क्रूरता और कठोरता का कोई स्थान नहीं होता। राक्षस माता, यदि देवता इस स्थान पर दंडित हुए तो परमपिता ब्रह्मा जी इस स्थान पर भीमासुर को वरदान देने कभी नहीं आएंगे। नारायण नारायण, इसमें क्या समस्या है? यदि बात केवल स्थान की है तो हम इन दुष्ट देवताओं को यहां नहीं किसी अन्य स्थान पर दंडित करेंगे। सोचोगे तो उतना ही जितनी तुम्हारे पास बुद्धि है। नारायण नारायण, किस सोच में पड़ गए नारद? नहीं नहीं राक्षस माता करकटी, मैं तो विचार कर रहा हूं कि इन दुष्ट देवताओं को यदि किसी और स्थान पर ले जाकर दंडित किया जाए तो क्या कहता है तुम्हारा विचार? नारायण नारायण, राक्षस माता, मेरा विचार ये कहता है, इन दुष्ट देवताओं को हम कहीं भी ले जाकर दंडित करेंगे तो उसका परिणाम तो भीमासुर को भुगतना ही होगा, क्योंकि इनके दंड का सीधा संबंध भीमासुर से है, और इस समय भीमासुर साधनारत है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इस समय इन दुष्ट देवताओं को चेतावनी देकर छोड़ दें। नारायण नारायण, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी से जिस दिन भीमासुर वरदान प्राप्त कर लेगा, उस दिन वो स्वयं इन दुष्ट देवताओं को पीड़ित
और अपमानित करेगा। नारायण नारायण। दैत्य माता, मुझे तो इस चोटी वाले साधु की बात सत्य लग रही है। इस समय हमें देवताओं को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा दैत्यराज भीमासुर की तपस्या असफल भी हो सकती है। तुम्हें क्या इस चोटी वाले साधु की बातों पर पूर्ण विश्वास है? दैत्य माता, अन्य कोई अवसर होता तो मैं कदापि विश्वास नहीं करता, परंतु ये चोटी वाला साधु जिस प्रकार देवताओं को अपमानित कर रहा था, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसके और देवताओं के मध्य कोई पुराना बैर है। तुम सही कह रहे हो, ये चोटी वाला साधु भी चाहता है कि भीमासुर की तपस्या सफल हो। हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अवश्य माता, अवश्य। दुष्ट देवता, इस चोटी वाले साधु के कहने पर हम तुम्हें दंडित किए बिना छोड़ रहे हैं। किंतु यदि राक्षस जाति पर तुमने आंख भी उठाई तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, तुम्हारे भीतर तनिक भी भक्ति और सत्कर्म की मात्रा शेष बची हो तो भविष्य में ऐसा कभी ना करना, अन्यथा तुम देवताओं को अपमान और कलंक के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। तपस्या करते हुए तपस्वी पर प्रहार करने के कारणवश तुम्हारी समस्त दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई थी। अब सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो, वे तुम पर कृपा करते हुए तुम्हारी खोई हुई दिव्य शक्तियां लौटा देंगे। जो आज्ञा देवर्षि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता करकटी, अब आप हमें भी आज्ञा दे। नारायण नारायण। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें परमपिता। जब स्वयं का दुष्कर्म और स्वयं की शक्ति अपमानित और असफल हो गई तो आप सब मेरे पास ये प्रार्थना लेकर आ गए कि मैं भीमासुर को वरदान देने न जाऊं। हमें क्षमा कर दें परमपिता, हम आपको विश्वास। देवताओं का विश्वास अब खंडित हो चुका है। अरे जिन्हें संसार में भक्ति आराधना और तपस्या की परंपरा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, वे ही उसे खंडित करने की भूमिका बना रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो समाज और संसार पतन की ओर चल पड़ता है। आप सब देवता हैं, परंतु देवताओं की तनिक भी मर्यादा नहीं है आप सबके भीतर। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है परमपिता। इस बार हमें क्षमा कर दें परमपिता, भविष्य में ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। परंतु जो भूल हो चुकी है उसका दंड तो आप सबको भुगतना ही होगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। यदि समय रहते आपने देवर्षि नारद का परामर्श मानकर स्वयं को शिव चरणों में लीन कर दिया होता तो आज ये दुर्दशा और अपमान के क्षण आपको देखने न पड़ते। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। देवराज इंद्र, ब्रह्म वाक्य अटल होता है, परमपिता ब्रह्मा जी पहले ही कह चुके हैं इस भूल का दंड आप सभी देवताओं को भुगतना ही होगा। अभी भी समय है अपना भविष्य सुधारने के लिए। स्वयं को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित कर दो। भगवान भोलेनाथ आप सभी देवताओं का कल्याण करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, मैं यही प्रार्थना लेकर ब्रह्मलोक में उपस्थित हुआ हूँ कि आप कुंभकर्ण पुत्र राक्षसराज भीमासुर की पुकार को सफल करें। परमपिता, भीमासुर की प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है, अब हम शिव संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र, तुम्हारा स्वर ब्रह्मा जी तक नहीं पहुंच रहा है,
स्वर ऊंचा करो पुत्र, शक्ति लगाओ। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पुत्र की पुकार सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। कहीं देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ सांठगांठ तो नहीं कर ली। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। ही चोटी वाले साधु, तुम्हारे कहने पर ही मेरा पुत्र इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, किंतु उसका सुर ब्रह्मा जी तक क्यों नहीं पहुंच रहा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धैर्य रखे राक्षस माता, धैर्य रखे। कैसे धैर्य रखूं? तपस्या करते करते मेरे पुत्र का शरीर क्षीण हो गया है, उसका गला सूख गया है। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, तपस्या जितनी लंबी और कठोर होगी वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ होगा, इसलिए तुम विचलित न हो। परम पिता ब्रह्मा जी से कृपा प्राप्त करते ही तुम्हारा पुत्र अपने सभी दुखों को कष्टों को भूल जाएगा। ब्रह्म कृपा से उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कब होगा ये सब? कब मिलेगा ये वरदान? राक्षस माता करकटी, तुम्हारे पुत्र भीमा की तपस्या अब सफलता के समीप है। सफलता की प्रतीक्षा करते करते तो अब एक युग बीत गया है। कहीं ब्रह्मा जी का मार्ग दुष्ट देवताओं ने तो नहीं रोक लिया? नारद, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि ब्रह्मा जी इस समय कहाँ हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है भोलेनाथ? आपकी भूमिका स्पष्ट है, सृष्टि के हित में जो उचित हो वो करें। जो आज्ञा महादेव। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी, परमपिता ब्रह्मा जी शिवाज्ञा से कैलाश से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। वे कुछ क्षणों में यहाँ प्रकट होंगे, परंतु तब तक आप सबको धैर्य धारण करना होगा, अन्यथा तुम्हारे कारण तुम्हारे पुत्र भीमा की तपस्या में बाधा पड़ सकती है। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, हमारे यहाँ रहने से दैत्यराज भीमासुर की तपस्या में बाधा पड़ सकती है। ठीक है, हम यहाँ से हट जाते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। भीमासुर। ओम ब्रह्मणे नमः। कौन हो तुम ब्रह्मणे और यहाँ क्यों आए हो? असुरों। ओम ब्रह्मणे नमः। तुमने धैर्य और सावधानी से ओम ब्रह्मणे नमः भीमासुर की सुरक्षा की है, ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे, परंतु हमें घेरना तुम्हारा ज्ञान है। हम वही हैं जिसे तुम्हारे राक्षस राज भीमासुर पुकार रहे। असत्य कहकर तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। असुर वीरों, घेर लो इसे और माता करकटी के पास ले चलो। मुझे तो ये बहरूपिया देवता लगता है, देवता। हाँ, इसे राक्षस माता के पास ले चलो। ये क्या हो रहा है रक्तांबरी? ये कैसा कोलाहल है? आइए। अज्ञानी असुरों, तुम्हारा ज्ञान मुझे पहचान नहीं पा रहा, परंतु राक्षस राज भीमासुर की भक्ति और आराधना मुझे अवश्य पहचान लेगी। कैसा कोलाहल है ये? राक्षस माता करकटी की जय! राक्षस माता करकटी की जय! राक्षस माता करकटी की जय! माता, ये बहरूपी अपने आप को ब्रह्मा बता रहा है। भीमासुर, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव आप?
आप मेरी पुकार सुनकर आगे ब्रह्मदेव। ठहरो पुत्र, ये कोई बहरूपिया कोई दैत्य शत्रु भी हो सकता है, इस पर विश्वास मत करो। नहीं माता, मैं इन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता। तपस्या में लीन रहते मैं बार बार इन्हीं के मंगल स्वरूप को निहारता था। यही सृष्टि के रचनाकार हैं। ये मुझे वरदान देने और राक्षस जाति पर कृपा करने आए हैं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, इन अज्ञानी राक्षसों को क्षमा कर दें। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राक्षस वीरों। प्रहरी का कर्तव्य होता है कि वो आने वाले की सत्यता का परीक्षण करे। तुम सबने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। तुम सबका कल्याण हो। भीमासुर, अब तुम हमसे अपना इच्छित वरदान मांग लो। कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। भीम, सबसे पहले इनसे अपने पिता के हत्यारे राजा राम को समाप्त करने का एवं तीनों लोगों का राजपाट मांग लो। जो मेरी माता ने कहा वही सिद्ध हो। मैं श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, संसार की कोई भी शक्ति किसी भी वरदान के सहयोग से परास्त नहीं कर सकती। वे जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इसी कारण भगवान श्री राम से प्रतिशोध रखना समय को व्यर्थ करना है। तुम कोई और वरदान मांगो। जब शत्रु से प्रतिशोध ही पूरा ना हो तो ऐसी कठोर तपस्या का क्या लाभ। बल्ला तक पुत्री करकटी, इस समय लाभ हानि पर नहीं बल्कि वरदान की उपयोगिता पर विचार करो। और वैसे भी विचार करने का अधिकार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पुत्र भीमासुर का है। कारण ये कि मेरी आराधना और कठोर तपस्या भीमासुर ने की है, तुमने नहीं। मेरा पुत्र वही कहेगा जो मैं कहूंगी। भीम, कह दो इनसे कि श्री राम की पराजय के सिवा हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए। जाने दो इन्हें। यदि तुम अपनी माता की बात से सहमत हो तो हम इसी समय प्रस्थान करते हैं। ठहरे ब्रह्मदेव, ठहरे, मेरी तपस्या को व्यर्थ करके ना जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो भीम? अपना प्रतिशोध पूरा करने के सिवा हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए। जाने दो इन्हें। नहीं माता, नहीं। तपस्या तुमने नहीं हमने की है। यदि मैं ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों का सम्राट बन गया तो मैं अपने शत्रुओं को कुचल कर रख दूंगा। फिर चाहे वो दुष्ट शत्रु देवता हो अथवा जगत पालक श्री हरि विष्णु। हे परमपिता ब्रह्मदेव, मुझे तीनों लोकों के साम्राज्य के साथ ऐसी शक्ति का वरदान दें जिसकी कभी किसी के साथ तुलना ना की जा सके, जो अतुलनीय हो, जो अपराजित हो। हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं भीमासुर, यदि तुम हमें एक वचन दो। कहें ब्रह्मदेव। हमारी वरदानी शक्ति से तुम अतुलनीय शक्ति संपन्न बनोगे और तीनों लोकों पर तुम्हारा अधिकार होगा। परंतु यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव शंकर के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पुत्र की मृत्यु निश्चित करने वाला वरदान हमें नहीं चाहिए। भीम, इन्हें जाने के लिए कह दो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं माता, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ। मैं आपकी चेतावनी याद रखूंगा ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हैं। वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय। वरदानी राक्षस राज भीमासुर की जय। मेरी चेतावनी का ध्यान रखना भीमासुर। शिव कृपा से जिस राक्षस कुल में तुमने जन्म लिया है वे प्रारंभ से भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो शिव शंकर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम सबका कल्याण।
वरदानी असुर राज भीमासुर की जय। राक्षस राज माता कर्कटी और भीमासुर की जय। वरदानी असुर राज भीमासुर की जय।